नमस्कार दोस्तों, ऑल टी टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसको लेकर के दिशा निर्देश आप सभी के बीच में आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये जानना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाएंगे तो मुख्य द्वार पर प्रवेश औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड के आधार पर ही होगा, तो इसलिए ये दोनों लेकर के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्यक्रम के दौरान मोबाइल को बंद अथवा साइलेंट मोड में रखना है। मोबाइल लेकर के यदि आप जा रहे हैं तो ज़्यादा फोटो नहीं खींचिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिले। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने मंच से ये ना बोल दे कि मोबाइलवा लेकर के कौन फोटोवा खींच रहा है, ये बात को ध्यान रखना है। तो मोबाइलवा को जो है अपने जेब में रखना है, खुशी में आप फोटो बिल्कुल मत खींचिएगा, मोबाइल जेब में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिया जाए। एक भी फोटो वहाँ पर नहीं खींचना है। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो लेकर के वहाँ पर नहीं जाना है। आप सोचिएगा कि वहाँ पर जाकर के मैं वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान आप जो है मोबाइल साइलेंट मोड में रखेंगे, कार्यक्रम के दौरान मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फोटो अथवा वीडियो नहीं बनाया जाए। कार्यक्रम के उपरांत कार्यक्रम का फोटो वीडियो जिला को अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, यदि फोटो खींचिएगा तो नियुक्ति पत्र से वंचित रहना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त कर लिया है तो भैया एक फ़ोटो खींच लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वही फ़ोटो आपका नियुक्ति पत्र से वंचित कर दे। तो मेरा काम है आप सभी से आगाह करना, आप सभी को अग्रिम शुभकामना बधाई ऑल टी टी तैयारी चैनल की तरफ से। जो भी बातें इसमें कही गई है उसका ध्यान आप जरूर रखिएगा।